नमस्कार भैया बहनों, आज हम एक किताब का चित्र बनाएंगे, पुस्तक का चित्र बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पेज की आउटलाइन कर लेंगे, यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ पर कक्षा कार्य या गृह कार्य डालेंगे। सबसे पहले हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की, ये देखिए मैंने 15 सेंटीमीटर का पूरा स्केल है। एक तिरछी लाइन खींची है थोड़ी सी, और एक थोड़ी सी तिरछी लाइन इस साइड खींचेंगे, वो 8 सेंटीमीटर। इस तरह से अब इसके ऊपर और इसके ऊपर हम एक दूरी लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर से, यहाँ पर भी बनाएंगे 2 सेंटीमीटर से, और यहाँ पर भी बनाएंगे 2 सेंटीमीटर से। इनको आपस में मिला देंगे। ये देखिए हमारी आधी बुक जो है अभी तैयार है। जितनी ये रेखा है हमारी, उतनी रेखा से इस साइड से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक चाप लगाएंगे, और जितनी ये बड़े वाली रेखा है हमारी उतना डिस्टेंस लेंगे, और छोटे वाली साइड से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इनको आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये अभी शेप आ गई है इसकी बुक के, एक समांतर चतुर्भुज हमने ऊपर की तरफ बनाया है। अब इसके पेज बनाएंगे, यहाँ से हल्का सा गोल कर देंगे इस रेखा को, और बाकी जो सीधी लाइन थी उसको रब कर देंगे। ये इसका कवर है, ऐसे ही यहाँ से कवर बनाएंगे। इसको भी ऐसे गोलाई में मोड़ेंगे थोड़ा सा, और ऐसे ही इधर से थोड़ा सा मोड़ देंगे, और जो ये सीधी लाइन थी इनको रब कर देंगे। अब हम पेज बनाएंगे बुक के। पेज बनाने के लिए हम स्केल को ऐसे चलाएंगे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, ये इस साइड हमने पेज बनाए हैं इसके, यहाँ हमने इसका कवर बनाया। अब इसके समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, पैरेलल लाइन, और इस पर पैरेलल, इसके पैरेलल लिखेंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं बुक का। ये मैंने लिखा है इस पे गीता। इस तरह से कोई भी नाम लिखेंगे। अब इसमें हम करेंगे शेड। शेड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कवर की शेड करेंगे। डार्क शेड करेंगे, फिर लाइट शेड करेंगे। ये एक्स्ट्रा जो हमने आर्क ड्रॉ किए थे इनको रब कर देंगे।
जिधर से पेज निकले हैं उधर डार्क शेड करेंगे। इस तरह से आपको अपनी फाइल में ये बुक का चित्र बनाना है। थैंक यू।